जिसकी सुनवाई शीघ्र होने वाली है। इस पे अपने कलेक्टर महोदय की तरफ से पहले दिया था ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय की, संभाग और जिले की बैठक रखी गई थी और बैठक में जो है सदस्यता अभियान जो हमारा चल रहा है 26 जनवरी से 28 फरवरी तक उसके विषय में प्रकाश डाला गया और दूसरा जो हमने एजेंडा था हमारा प्रोटेक्शन एक्ट का उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए स्टेप उठाने के लिए जो है मीटिंग बुलाई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि दिनांक 2 फरवरी 2021 से हम प्रोटेक्शन एक्ट के समर्थन में पूरे प्रदेश में एडवोकेट हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी बात पहुँचाएंगे। एक एक कंफ्यूजन होता है हर अधिवक्ता के मन में कि जो एक संगठन का सदस्य है तो क्या दूसरे का हो सकता है, तो आपने ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। राज्य अधिवक्ता परिषद तो हमारी मातृ संस्था है, उसमें तो आदमी रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, लेकिन हमारे संयुक्त राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच में ऑप्शनल है, आप सदस्य बनना चाहें नहीं बनना चाहें, जिसको अधिवक्ता स्तरों पर के लिए आगे आके काम करना है वो हमारा सदस्य बनता है। हम राज्य अधिवक्ता परिषद से हट के अधिवक्ताओं के हित में जो कार्य होता है उसके करने के लिए हमने इसका गठन किया है और इसमें हमारी सदस्यता अनिवार्य नहीं है। जो स्वेच्छा से अपने समर्पण भाव से समर्पित होकर वकीलों के हित में काम करना चाहता है उनको हम सदस्यता देते हैं, वो हमसे जोड़ते हैं। अभी कुछ समय हुआ है निर्माण को आपके संस्था को, कितने लोगों के लिए हित में काम करता है कुछ अभी जो है 3 महीने हुए हैं मध्य प्रदेश में हमारे मंच को स्थापित किए हुए और 3 माह में हमने जो है 2 बड़े काम किए हैं। अभी एक काम किया है हमने पूरे प्रदेश के वकीलों को मेडिक्लेम और बीमा क्लेम दिल्ली की सरकार की तर्ज पर जारी करने के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की है, वो लंबित है, उसमें शीघ्र सुनवाई होगी। और दूसरा हमने प्रोटेक्शन एक्ट के लिए दिनांक 18 जनवरी को जो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम पर पूरे प्रदेश से एक साथ ज्ञापन सौंपे थे, उस पर लेकिन कोई सकारात्मक अभी तक जवाब नहीं आया है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है, इसलिए आज हमने यह बैठक बुलाई थी और बैठक में यह निर्णय लिया।